नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। एमएलसी के चुनाव का दौर स्टार्ट हो चुका है, यानी कहा जाए कि 4 तारीख को एमएलसी का चुनाव होगा। उस क्रम में बहुत सारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे प्रत्याशी हर क्षेत्र में दौरा करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच हम लोग पहुंचे हुए थे रघुनाथपुर क्षेत्र में, और यहाँ भी कई प्रत्याशी अपना क्षेत्र भ्रमण करते नजर आए और उनका भी इंटरव्यू चला। इसी क्रम में हम लोग देखे कि सिवान सिटी में रघुनाथपुर ब्लॉक है, रघुनाथपुर क्षेत्र है, और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, फैमिली रेस्टोरेंट, जो कि पहली बार इतना बेहतरीन रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। और उस रेस्टोरेंट के बारे में हम जानेंगे। इस रेस्टोरेंट का नाम है हॉट चिल्ली टेस्टी पॉइंट, यानी कहा जाए कि रघुनाथपुर में पहली दफ़ा ऐसा रेस्टोरेंट अब तक के काल में ओपन हुआ है। हमारे से जुड़े हुए हैं यहाँ के ऑनर और फैमिली रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इनके मन में किस तरह से ख्याल आया कि जो दूर दराज हम लोग सिवान सिटी में जाना पड़ता था यहाँ खाने के लिए संबंधित, जो भी मतलब अगर अच्छा खाना अच्छा रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था, तो लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं था। उसी क्रम में यहाँ पे ओपन हुआ है, और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि सारा दिख रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ के ऑनर है, उनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले किस तरह से इन्होंने पहल किया इस रघुनाथपुर ब्लॉक में, रघुनाथपुर क्षेत्र में, क्योंकि रघुनाथपुर काफ़ी अच्छा बेसिक एरिया है और नामी एरिया है। यही बात करते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पर। सर ये बताइए कि आपका जो ये चिल्ली रेस्टोरेंट खुला है, हॉट चिल्ली फैमिली रेस्टोरेंट, इसके नाम के प्रति क्या रहा? नाम ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों का जो सोच था एक डिफरेंट नाम दिया, अलग नाम दिया जाए, क्योंकि देखिए मोहन स्वीट, गोवर्धन स्वीट, इस तरह की मिठाई की दुकानें होती है, लेकिन कुछ अलग नाम देने की सोच थी, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम हॉट चिल्ली रखा। और टेस्टी पॉइंट, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोडक्ट देते हैं उसमें टेस्ट रहता है, टेस्ट रहता है, इसीलिए नाम। अच्छा, जैसे जो रघुनाथपुर एक मतलब काफ़ी विकसित एरिया है, कहा जाए सिवान जिला का काफ़ी प्रसिद्ध एरिया है, और यहाँ के जो लोग हैं खासतौर से बाहर दूर दराज जाते हैं जब पर्व में या फेस्टिवल में, जब ओकेजन में आते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा होटल खाने पीने से कुछ संबंधित नहीं था, तो उसी के मद्देनजर देखते हुए आपने ओपन किया। एकदम, इसके अलावा और भी बहुत सारी थॉट प्रोसेस है, जैसे कि आप तो मैं यहाँ पर लोकल रहने वाला हूँ, तो मेरा गाँव में छोटे छोटे गाँवों से कस्बों से लोग बाजार करने के लिए रघुनाथ किया। यहाँ पर महिलाएँ अगर बहुत ज़्यादा आजकल मार्केटिंग करती हैं, उन लोगों को बैठ के अधिक इच्छा हो गई, तो वैसा देखो पूरे बाजार में पूरे बाजार में रघुनाथ में नहीं, नहीं। और अच्छा खाना मतलब उनका चीज़ कहीं का अभी भी कुछ खाने की इच्छा हो जाए, चलो आज गाड़ी खाने की इच्छा हो जाए, कहाँ जाए, चलो आप ये बात सही। पंचायती राज में हम लोग घूम रहे थे, तो उसमें नहीं थे, पंचायती राज का जो चुनाव था उस समय नहीं था, उसके बाद ओपन हुआ। सारी चीज़ों को देख करके हमने इसका पारी किया, तो क्या क्या अवेलेबल है आपके रेस्टोरेंट में, फैमिली रेस्टोरेंट में क्या क्या अवेलेबल है? लिखा हुआ है कि बेस्ट चॉइस फैमिली रेस्टोरेंट, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। खासतौर से यहाँ पे एक गांव, जैसे गांव एरिया है, लेकिन यहाँ भी लोग मतलब खाना पसंद करते हैं पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा पे पिज्ज़ा हम देते हैं। हाँ, आपको देख रहा है मेनू भी यहाँ पे पिज्ज़ा में, पिज्ज़ा हमारा वेज पिज्ज़ा, पनीर पिज्ज़ा, चिकन पिज्ज़ा, अभी ये 3 पिज्ज़ा हम लोग चला रहे हैं। और पिछले 20 दिन में खाली मतलब 20 दिन में आपने ओपन हुआ? हाँ, 9 तारीख को हम लोग ओपन किए थे, 30 तारीख। अच्छा, इसी महीने में, इसी महीने यानी कि 9 मार्च को ओपन किया। हाँ, 20 दिनों में हमारा पिज्ज़ा जो है सुपर हिट रहा है। अच्छा, लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं एकदम। और बिरयानी की भी आजकल ट्रेंडिंग चल रही है, आजकल बिरयानी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बिरयानी ट्रेडिशनल खाना बन चुका है। चिकन रोल, वेज रोल, ये सब हमारे यहाँ मेन्यू में आई देख सकते हैं, बिरयानी, पनीर बिरयानी, अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी, बिरयानी 4 आइटम में है, रोज 4 आइटम में है, पनीर रोल, वेज रोल, अंडा रोल और चिकन रोल। उसके अलावा पनीर चिल्ली, चिकन चिल्ली है, चाउमीन 4 आइटम में है, समोसा चाट, और डिश में जैसे खाना में दाल चावल, दाल चावल सब्जी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, लेकिन अब प्रेम से नान रोटी और तंदूर रोटी, ये सब तंदूर अप्रेल से हम चालू करने का प्लान है, तंदूर नान, साउथ इंडियन शाही पनीर, मटर पनीर, ये सब अभी तो स्टार्टिंग हुआ, तो मतलब आपका प्लानिंग है बहुत सारा, फिर भी बहुत अच्छा आपका मतलब यहाँ रिस्पॉन्स कैसे मिला है? रिस्पॉन्स बढ़िया है, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं,
उन लोगों को लगता है कि चलो एक अच्छी जगह पर बैठने को मिला, अच्छा खाने को मिला। और अच्छी एक चीज़ मैं कहूँगा, जैसे बहुत से रेस्टोरेंट खुलता है तो एक हाइजीनिक और साफ सुथरा, और दूसरी बात की टेस्ट में, देखिए आमतौर पर लोग देखते हैं कि भाई हम जो जहाँ खाना पसंद करते हैं तो वहाँ पर टेस्ट मुझे मिलना चाहिए। देखिए हम लोग का, क्योंकि हम लोग सभी मिलाए जी जी अच्छा जॉब छोड़ के मिलते हैं।